धर्म प्रेमी सज्जनों, आज एक साथ दो सफलता हाथ लगी है मेरी और आर्य समाजियों ने भी देखा है। हैदराबाद का एक मुसलमान जो इस्लाम को अलविदा कहकर सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है और साथ ही साथ एक मुसलमान जो काफ़ी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो आदि को सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा सच बोलने वाला मैं किसी को नहीं देखा और सबके साथ पड़ताल करके मैं देखा कि वाकई में आपकी बातों में दम है और वो इस्लाम वालों को किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं। शाहजहां खान नाम है उसका और रहने वाला तो बंगाल का है लेकिन बम्बई में ही रहते हैं। तो बम्बई में मैं अपने टीम के साथ जुड़ने के लिए उन्हें नंबर दे दिया हूँ, वो क्या बोल रहा है आप लोग भी उनकी ज़ुबानी सुनिए। ये अभी अभी की घटना है, एक घंटा पहले फ़ोन पर मेरी बात हुई है, उसी आवाज़ को मैंने उससे पूछ लिया, ये आवाज़ को मैं लगा दूँ, उसने स्वीकृति दी है तो ये आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। ये अभी अभी की घटना है, आज 21 नवंबर रविवार के दिन शाम की ये घटना है। धन्यवाद, आप लोग सुनिए, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक पहुँचाइए। आइकन बेल दबाना ना भूलना। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आदि। हेलो हेलो, आप पंडित जी बोल रहे हैं आप? जी हाँ, आपको? मेरा नाम है शाहजहां खान। अच्छा, कहाँ से भैया? मैं बोल रहा हूँ मुंबई से, लेकिन मैं रहने वाला बंगाल का हूँ। अच्छा। मैं मुंबई में काम करता हूँ। अच्छा। मैं आपका जो देखा हूँ यूट्यूब में सब वीडियो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, मैं बहुत दिन से बहुत जने का बात सुना लेकिन आपका जैसे नहीं सुना कभी जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पसंद तो हुआ। बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं इसीलिए फोन किया आपको। तो मेरे को एक जानना था जी, जो मरने का बाद जो है वैदिक धर्म में मरने का बाद जो है तो उसमें क्या भूमिदाह होता है या अग्नि संस्कार है, तो क्या उसमें उसमें क्या बताया गया है वैदिक धर्म में? वैदिक धर्म में दाह संस्कार है। हाँ, दाह संस्कार उसमें क्या है? हैं? उसमें क्या मतलब क्या बताया गया, मैं वो जानना चाहता हूँ। दाह संस्कार में यही है कि आत्मा तो मरी नहीं। हाँ हाँ, आत्मा तो शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर की तो मिट्टी की बनी थी ना, मिट्टी। हाँ हाँ हाँ, अब वो कब्र में जब आप सुलाने जाते तब भी तो मिनहा खलक नकुम वफिया नोड़ी लुकुम अमीना नुखर जुकुम तारतन उखड़ा कहना पड़ता है। हाँ, मिट्टी से बने थे, मिट्टी से जा मिलो, फिर मिट्टी से बनना है। हाँ, तो शरीर की तो कोई कीमत नहीं, आप गाड़ दो चाहे जला दो चाहे कुछ भी करो, गाड़ देने से गंदगी पैदा होती है, जला देने से वो जगह बच जाती है और भस्म हो जाता है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है। ये है तो ये प्रकृति का नुकसान नहीं होगा ना? ना नहीं, सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये भी जानना था मेरे को। हाँ, मैं तो कबर देने से, बल्कि कबर देने से ना तो वहाँ जो शरीर जो है मिट्टी में तो वो मिल करके सड़ान पैदा होगा ना, पहले तो सड़ेगा वो। हाँ हाँ हाँ, शरीर सड़ेगा पहले, फिर उसमें गंदगी पैदा होगी, कीड़ा पड़ेंगे उसमें। हाँ, तो ये सब होगा। तो ये जला देने से, वो अग्नि जलाने से क्या होता है, अग्नि वायु में वायुमंडल में वो विलीन हो जाता है। नहीं, यही सवाल मेरे को बार बार करते हैं, बोले तू तारीफ करता है वैदिक धर्म का, सनातन धर्म, मेरा दोस्त तारीफ करता है, उसके सपोर्ट में बोलता है, लेकिन वो लोग जलाता है, जलाना क्या ठीक बात है? वही जलाना ठीक बात है कि बेठीक बात है, वो तो अपने आप ही सोचेंगे ना। ये कबर में डालने से तो कीड़े खाएंगे ना। हाँ, और जला देने से आप अग्नि जला करके देखिए ना, अग्नि जलाने से क्या होता है, अग्नि जलाने से वैसे नहीं, वो आप अग्नि जला करके एक लाल मिर्च डाल दीजिए तो क्या पता लगता है।
खांसते खांसते लोग परेशान हो जाएंगे। तो अग्नि में वो शक्ति है जो सामान आप डालेंगे उसका शक्ति कई हजार गुना बड़ा करके वायुमंडल में बांटती है वो। तो फिर जो संत लोग होते हैं उनका तो भूमि दाह होता है ना? नहीं नहीं, वैदिक संस्कृति में नहीं है। तो मैं देखा था टीवी में किसी की साधु का जो टीवी में क्या दिखा रहा है, टीवी में तो सब बकवास दिखा रहा है, टीवी में वो सच्चाई नहीं है, वैदिक धर्म में वो नहीं है। जल समाधि भूमि समाधि वो सब बकवास है। वैदिक संस्कृति हमारे, हम वैदिक संस्कृति को फॉलो करते हैं भाई। अच्छा, वैदिक संस्कृति में वो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं है। आपके जो मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ, लेकिन मैं कभी कमेंट नहीं किया, कमेंट मैं कभी नहीं किया, लेकिन मैं लाइक किया, मैं वीडियो देखा, क्योंकि मेरे को कमेंट जो है, मेरे को जो है ना, मैं लिखना मेरे को ठीक से नहीं आता, और क्या मतलब गड़बड़ हो जाती है, मैं नहीं करता हूँ किसी को, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ पढ़ रहा है, लेकिन मैं लिखता ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपका मुंबई में कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ ये एक माहिम बोल के जगह है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, काम करता हूँ कारखाना में। किस 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 में काम करते हैं? मैं वो जरी का काम करता हूँ, होता है ना एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी होता है ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। हाँ, वो काम करता हूँ, जरी जरी वाला। हाँ, जरी का काम करता हूँ, हाथ से सुन फुटा फुटा करके। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सभी का स्पीच सुना हूँ। मैं तो पहले बहुत बड़ा कट्टर मुस्लिम था, फिर धीरे धीरे एक बार क्या हो, मैं अपना गांव में वहां पे चर्च में गया, मैं किचन में निकले गया, वहां पे मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहां से लौट आया। फिर मैं जो है 3 साल लगातार एकदम मांस मछली कुछ सब कुछ खाना छोड़ दिया, एकदम न्यूट्रल रहा। फिर धीरे 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 जानने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को कहीं पे सेटिस्फाई नहीं मिला। आपके बात सुन के मेरे को मतलब 100% राइट लगा, इसीलिए मैं कॉल किया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कह रहे हो शुक्रिया, ठीक कह रहे हो, शुक्रिया आपका। मैं तो 21,000 से ज्यादा इस्लाम वालों को इस्लाम को अलविदा कहलवा दिया। मेरे को तो बहुत सालों पहले से डाउट है, मैं तो अपने गांव में सब बात करता रहता था। तो ये क्या है, ये क्या है? कल मुफ्ती फजल हमदर्द के साथ 8 बजे रात को मेरा प्रोग्राम है। अच्छा, मुफ्ती फजल हमदर्द पाकिस्तान से है, कराची से है। अच्छा, उसके साथ डिबेट है आपका? हाँ, सवाल पूछता था गांव में, तो चलो लाश को दफनाने से 40 कदम आने के बाद उससे पूछा जाता है, मन रबों का, मंदिरों का, मन नदियों का पूछा जाता है। लेकिन जो इंसान को बाघ खा जाते हैं, जंगली जानवर खा जाते हैं, या समुन्द्र में कुमीर खा जाते हैं, तो उनको कहाँ पूछा जाता है, मन रबों का, मंदिरों का कहाँ पूछा जाता है? या जो लाश जो एक्सीडेंट में एकदम तितर बितर हो जाता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, उसको कहाँ पूछता है के मंदबों का, मंदिरों का, ओसामा बिन लादेन को कहाँ पूछा? हाँ, वही तो हम सवाल किया, लेकिन हमको जवाब नहीं दिया। जवाब इनके पास नहीं पके जा रहा है। उसमें एक चीज और आपके दिमाग में मैं दौड़ाना चाहूंगा, यानी मर गया आदमी, मर गया घर में, मरा तो घर में मरा तो उससे रूह निकल गई, निकल गई तो रूह निकल गई, जब उसको हम दफनाए तो 40 कदम आने के बाद फरिश्ते आते हैं, ये बताया मुनकिर और नकीर आते हैं, जो आपने बोला ना, मर रब्बू का, मन नबियों का, मन दीनों को आकर के पूछते हैं, तो उसको बोलने के लिए उसमें रूह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, वही रूह कहाँ है, रूह उसमें है कहाँ? लेकिन कुछ कुछ बोले रूह डालते हैं उस टाइम के लिए, उसका कोई हवाला दो भाई, कौवा काल करेंगे, कौवा काल ले गया, उसमें रू कब डाली गई ये बताए। और एक मैं सवाल किया, जो बोलता है उजू टूट जाता है हवा निकालने से, उजू टूट जाता है, फिर हाथ धोते हैं, मुंह धोते, कान धोते, लेकिन हवा जहाँ से निकला वो जगह धोना है, धोना नहीं कभी, तो तुम्हारा उजू कैसे बना? ये सब मैं बहुत तर्क किया गाँव में, अपना गाँव में बहुत तर्क करते है। बंगाल में कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? मेरा है हुगली डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट। हाँ, हुगली डिस्ट्रिक्ट है। किधर, फुरपुरा की तरफ? नहीं नहीं, फुरपुरा मेरा है 1 नंबर पंचायत जो है, खानाकुल थाना है, हम खानाकुल राजा राम मोहन। हाँ, तो वही का हम है, हमारा 1 नंबर ग्राम पंचायत है, परासपाई गांव है, गांव का नाम है परासपाई। जी जी जी, तो मैं वही का रहने वाला हूँ, खानाकुल में जाता हूँ। मैं ये सब सवाल करते रहता हूँ, और मेरे से बहुत झगड़ा लड़ाई होता है,
मेरे से कोई सवाल जवाब करके जीत नहीं सकता। अभी मैं आपसे एक दिन बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बहुत करता रहता हूँ अपने गांव में। जी 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 जी। तो आपकी आवाज लगा दूं मैं? हाँ कोई बात नहीं, लगा लीजिए। बहुत बहुत पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाहजहां खान है। शाहजहां खान। और मेरे वीडियो सुन सुन करके आपने अपनी तैयारी की? हाँ, लेकिन बात क्या है, मैं आज बोल दिया ये बात, सिर्फ आज बोलने से नहीं, बहुत दिन से मैं मन बना रहा था बोलूंगा, लेकिन मैं कॉल लगाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। कल लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं बहुत मतलब कंफ्यूज था। फिर मैं सोचा नहीं, अब एकदम मैं बहुत आपका वीडियो देखा, देखने के बाद में नहीं, एकदम ये सटीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि हमारा आपका ये रास्ता कायम रहे। हाँ, और हम कभी भी मिल सकते। बम्बई में मेरा काम है, बम्बई में मेरी एक टीम है जो काम करती है बम्बई में। मैं एक नंबर आपको नोट करता हूँ, इससे संपर्क कर देना। नंबर? हाँ, नंबर एक मैं लिखवाता हूँ, लिखिए जरा 86। एक मिनट पंडित जी, रुकिए, मेरे पास पेन नहीं है, मैं पेन लेता हूँ। जी 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 जी, आप बोलिए, कुछ और मैं सुनता हूँ। हाँ, तो बम्बई में एक टीम मेरी है, जहाँ पर आपको वहाँ मैं और किताब और किताब आपको वहाँ दे दूंगा। हाँ, वो सब किताब आप पढ़ें तो आपकी और पुख्ता जानकारी हो जाएगी। आपके पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने का टाइम हम लोग का है नहीं। हाँ, कोई मोबाइल नहीं। में जो पढ़ते रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो विषय है वो विषय पक्का हो जाए, आपके यकीन पुख्ता हो जाए, ये कह रहा हूँ मैं। बोलिए पंडित जी। 8 6 8 6 8 3 5 3 5 3 0 3 0 7 6 7 6 मगन लाल मगोनो। हाँ, मगोनो मगोन। हाँ, मगोनो मगोन लाल। हाँ, लाल। हाँ, एना के बोल रहे हवे जब पंडित जी ने आपका नंबर हमें लिया है। अच्छा, एना के जिज्ञेस कर ले हवे तो। हाँ, एना के जिज्ञेस कर लो, कथा बोलो, खाली हमार नाम बोल रही हवे, पंडित जी आपने नंबर दिए थे हमें। वो बांगाली ना, वो गुजराती। तो इन्हीं का ये नंबर, वो पुस्तक के लिए आपने नंबर दिया था ना? बिल्कुल सही कहा। वो वीडियो में देखा था ना, वो उसका नंबर मैं नोट करके रखा हूँ। जी जी जी, यही व्यक्ति है। मैं चाह रहा हूँ आपके पास किताब का भी खजाना हो जाए। तो वो वही थे ना वीडियो में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं देखा था, वो वीडियो में देखा था। जी जी जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका नंबर सेव कर लूँ? हाँ हाँ, कर लीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको।